कोरोना की दूसरी लहर पहाड़ बनकर टूटी है। इससे लोग जान तो गंवा ही रहे हैं, साथ ही साथ आर्थिक नुकसान भी पहले से ज्यादा हो सकता है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से पार पाने के लिए तुरंत 8 लाख करोड़ के राहत पैकेज की जरूरत है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित परिवारों को 3 महीने तक 5,000 रुपए प्रति महीने की आर्थिक मदद दी जाए। मनरेगा के तहत काम के दिनों की संख्या बढ़ाकर 150 दिन की जाए। शहरों में रोजगार के नए मौके तैयार किए जाएं, विशेषकर महिलाओं के लिए। केंद्र सरकार पेंशन योजनाओं में करीब 500 रुपए की बढ़ोतरी करे। 25 लाख आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को 30,000 रुपए का हार्डशिप अलाउंस दिया जाए। पीडीएस के तहत मुफ्त राशन जून से बढ़ाकर दिसंबर तक किया जाए। ये वो कदम है जो कोरोना काल में गरीबों के लिए उठाने की जरूरत है, वरना देश में गरीबी और भुखमरी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। कोरोना की पहली लहर में लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण 2020 में 23 करोड़ लोगों की आय गरीबी रेखा से नीचे आ गई थी। ये 23 करोड़ लोग आज भी 375 रुपए प्रतिदिन से कम कमा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में गरीबी 15% जबकि शहरी इलाकों में 20% गरीबी बढ़ी है। पिछले साल लॉकडाउन में 10 करोड़ लोगों की नौकरी गई, इनमें से 1,50,00,000 लोग आज तक काम पर नहीं लौट पाए। दूसरी लहर में लोगों को गरीबी की गर्त में जाने से बचाने के लिए राहत पैकेज की सख्त जरूरत है। दूसरी लहर में अभी तक पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन कुछ राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन है, जबकि ज्यादातर राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इससे भी बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और अभी तक ये पता नहीं है कि दूसरी लहर कब खत्म होगी, सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को गरीबों और मजदूरों के लिए जल्द से जल्द राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए, वरना कोरोना से ज्यादा लोग देश में गरीबी और भूख से मर जाएंगे।